फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ मेरा जो हेयर ऑयलिंग रूटीन रहता है वो शेयर करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा अपने हेयर्स को हफ्ते में 2 से 3 बार तो ऑयलिंग करती हूँ। क्योंकि ऑयल, अगर आप हेयर पे ऑयल यूज करते हैं तो मेरे हेयर्स तो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर मेरा हेयर फॉल होता है ज्यादा तो वो भी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं शायद 2 या 3 महीने पहले मैं गई थी पार्लर में ऑयलिंग कराने, तो वहां पे उन्होंने 350 लिया था। मेरा ये हेयर लेंथ है तो उन्होंने बोला था कि 350 या 450 वैसे कुछ लिया था, पर फ्रेंड्स उन्होंने इतना गंदा टाइप से उन्होंने मसाज किया, तो मेरे को लगा नहीं भाई, मैं तो अभी से और मैं पार्लर में हेयर ऑयल कराने नहीं जाऊंगी, क्योंकि टाइम का भी बहुत रहता है। जैसे आप लोग का भी दिक्कत रहता होगा कि हम लोग को टाइम निकालना, तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि हम लोग के लिए टाइम निकालना वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और वो भी मैं निकाल के गई थी कि चलो थोड़ा आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाओ हेयर ऑयल करा के, पर हर पार्लर तो सेम नहीं होता है। मेरा वो बैड लक था कि वो पार्लर में जो लड़की थी उसने ऐसे किया, तो इतनी खराब से उसने मेरा मसाज किया हेयर्स में, तो मेरे को लगा कि भाई तुम अभी छोड़ दो, मैं तो चली जाऊंगी, तुम ऐसे ही पैसे ले लो चाहे, पर मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे वहां पे मसाज नहीं करवाना था। तो इसके बाद से ही मैं हमेशा घर पे हफ्ते में 2 से 3 बार तो मैं मसाज करती हूँ हेयर्स पे, और मुझे ये बहुत रिलैक्सिंग भी लगता है, क्योंकि मेरी ये आदत थी, मेरी मम्मी ने ये आदत डाल दिया था कि जब भी मेरा एग्जाम होता था इससे पहले मेरे सर पे ठीक से तेल वेल डाल देती थी, कि अगर मैथ्स का एग्जाम हो तो इसका मतलब मैथ्स सारा मुझे थ्योरीज वगैरह जितने सारे फॉर्मूलाज होते थे तो वो याद रहे। तो होता ही है कि एग्जाम के टाइम में मेरा वही था, मेरे फ्रेंड्स अगर कोई देख रहे हो उनको पता है कि एग्जाम के टाइम पे तेल लगा के दो, क्या बोलते हैं इसको बंगाली में, बिनोली बोलते हैं, तो ऐसे करके दो चोटी ऐसे टाइप की चोटी बना के तो मैं जाती थी स्कूल। और तो वही आदत अभी भी काफी है, मैं इसलिए मुझे हेयर ऑयल करना मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है। मैं कभी कभार तो मैं कर भी लेती हूँ, और ज्यादातर मैं करती हूँ रात के टाइम में करती हूँ कि दिन में वॉश कर लेती हूँ। और अगर ऐसा हुआ कि मुझे रात में अगर तबीयत ठीक नहीं है या मौसम काफी ठंडी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं नहाने से पहले थोड़ा सा ऑयल कर लेती हूँ, हेयर ऑयलिंग करके मैं 1 घंटा 1.5 घंटा वैसे ही छोड़ देती हूँ, और इसके बाद मैं शैम्पू कर लेती हूँ किसी भी माइल्ड शैम्पू से। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि आज जैसे मैं करने ही वाली हूँ अपनी हेयर ऑयलिंग, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ कि मैं अपना हेयर ऑयल कैसे करती हूँ और मैं कौन सा स्टेप फॉलो करती हूँ। क्योंकि मैं हेयर ऑयल करने के बाद फ्रेंड्स स्टीमिंग करती हूँ, क्योंकि स्टीम अगर आप लेते हैं तो वो ना कि बहुत रिलैक्सिंग है, उससे जो आपके जो स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफी अच्छी हो जाती है। और तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं मेरा, अब देखिएगा मेरा हेयर ऑयल रूटीन। मैं फ्रेंड्स जनरली मैं ऑयलिंग के लिए बस नारियल तेल या ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ, तो मैं कभी कभार दोनों को मिक्स करके भी करती हूँ, क्योंकि दोनों ही हम लोग के हेयर्स के लिए काफी अच्छा है। तो ये मैं नारियल तेल दे रही हूँ, और ऑलिव ऑयल जो है फ्रेंड्स वो हम लोग के जो हेयर्स है उसमें काफी वो शाइन आ जाती है ऑलिव ऑयल से। देखिए मैंने कोकोनट ऑयल और मैंने ऑलिव ऑयल यहाँ पे मैंने ले लिया। अब मैं जाती हूँ फ्रेंड्स, मैं ये जो तेल है मैं हल्का सा गर्म करके उसको लाती हूँ, और फ्रेंड्स इसके लिए मुझे चाहिए बस कॉटन। आप चाहे तो आपके जो फिंगर टिप्स है उसका भी यूज कर सकते हैं, या चाहे तो कॉटन का भी यूज कर सकते हैं, और एक चाहिएगा कंघी। तो पहले अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए कि कोई नॉट वगैरह ना रहे। देखिए इसमें कोई नॉट नहीं है, अभी मैं इसको पार्टीशन कर दूंगी। सबसे अच्छा होता है फ्रेंड्स अगर कोई करके दे, क्योंकि ऑयल खुद करना उतना रिलैक्सिंग नहीं होता है, अगर कोई करके देता है तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं। तो पहले हम लोग को जो करना होगा फ्रेंड्स, एकदम आप जब ऑयल लगाएंगे अब याद रखिएगा कि हेयर से ज्यादा जो ऑयल है ये हम लोग की जो स्कैल्प है उसको जरूरत है, तो अब ठीक से जो स्कैल्प है उसमें उसको ठीक से
लगा लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लगाने से एक बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपके बाल भीगे ना हो, क्योंकि अगर भीगे बालों में आपने ऑयल लगाया तो कभी कभार डैंड्रफ हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपके हेयर्स में काफी सारे, अगर आपने काफी दिनों से शायद अपने शैम्पू नहीं किया, आपके बालों पे काफी डर्ट है, तो उसमें अगर आप हेयर ऑयल लगाएंगे तब क्या होगा, जो ऑयल है वो आपको कुछ, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इसका निगेटिव इफेक्ट से आता है। और एक फ्रेंड्स, आप ज्यादा ऑयल लगा के बाहर मत जाइएगा, क्योंकि बाहर तो पता ही है फ्रेंड्स कितना पोल्यूशन वगैरह है आजकल, तो उससे जितने सारे डर्ट वगैरह है तो आपके बालों पे वो आ जाती है। तो यही है ऑयलिंग करने से नहीं फ्रेंड्स, ये ऑयलिंग करने के पहले आप इसको याद रखिएगा कि आपके बाल भीगे ना हो। आपने शैम्पू कर लिया एक दिन या दो दिन पहले, या आपके अपने ऑयल लगा के फ्रेंड्स, ये तो हमेशा बाहर मत जाइएगा, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी या कॉलेज लाइफ में थी तो मुझे उतना पता नहीं था, तब मैं तेल वेल लगा के मैं स्कूल में चली जाती थी, मैं दो तीन दिन भी ऐसे ही छोड़ देती थी, तो उससे क्या होता था, जो हेयर्स है वो काफी मीन्स उसमें काफी सारे डर्ट आ जाते थे, और इसलिए जो हेयर फॉल है वो काफी ज्यादा हो जाती थी। आजकल के बच्चे लोग तो काफी ब्यूटी कॉन्शियस है, तो वो लोग जानते हैं खुद को कैसे मेंटेन करना, क्या क्या करना, पर हम लोग के टाइम में तो वैसे कुछ नहीं था। तो हम लोग तो कुछ नहीं, चलो स्कूल जाना है तो चोटी बना के जाना है, और हम लोग के स्कूल में वैसे था कि रिबन लगाना होता था, तो मैं रेड हाउस में थी तो मैं रेड कलर का रिबन लगाती थी ऐसे चोटी बना के, और इस साइड में रेड कलर का रिबन। अगर आपके स्कूल में भी आप ऐसे कुछ करते थे फ्रेंड्स तो मुझे बताइएगा, क्योंकि हम लोग स्कूल में वो रेड हाउस ग्रीन हाउस वैसे कुछ होता था, काफी सारे स्कूलों में ही ऐसे ही होता है। और मैंने अपना स्कूलिंग फ्रेंड्स आसाम से किया है, और देखिए फ्रेंड्स मैं कैसे लगा रही हूँ अभी, देखिए मैं बात करते करते मैं अपने स्कैल्प पे, अब पूरे स्कैल्प पे मैंने लगा दिया ठीक से, आप देख सकते हैं। अब मैं आपका अपना मिस हैंड का यूज करूंगी और थोड़ा सा ऑयल लेके जब इसको रोल करते हुए नीचे तक आऊंगी। और फ्रेंड्स, अभी है मसाज की बारी, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मसाज, क्योंकि ये मसाज करने से जो ऑयल्स है वो आपके जो स्कैल्प है उसमें ठीक से अंदर घुस जाते हैं, और इससे आपके जो तेल की जो इफेक्ट्स होता है और वो ज्यादा आपको मिलता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये बहुत रिलैक्सिंग भी होता है, कि अगर आपके स्ट्रेस वगैरह होता है, आपकी नींद की प्रॉब्लम है कि आपको ठीक से नींद नहीं हो रही है, तो अगर आप ऐसे मसाज करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स आपको नींद की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। अब हाथों को लेके धीरे धीरे से ऐसे ऐसे करके मसाज कीजिए। और फ्रेंड्स, अभी मैं लूंगी हॉट स्टीम, और हॉट स्टीम में जस्ट टॉवल में मैं उसमें गर्म पानी डाल के मैं ला रही हूँ। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई, और बीच के पोर्शन में मैंने इसमें गर्म पानी दिया है। ऐसा करके रोल करके ऐसे कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हॉट स्टीम कैसे लेना है, और अगर आप मैसेज मैंने जितना किया है और ज्यादा आप
देखना चाहते हैं कि मैंने कितना टाइम मैंने और कौन सा मैंने स्टेप किया है, तो मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे हेयर ऑयल के ऊपर, तो मैं उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अब चाहे तो वहाँ पे आप लिख अब देख सकते हैं उसे। और फ्रेंड्स आपका अगर कोई भी कुछ क्वेरीज हो अगर ब्यूटी रिलेटेड या कुछ, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड इसके साथ मैं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो काफी मायने रखते हैं मेरे लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी मैं उतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं, तो मैं बहुत ही अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप आपके एक एक कमेंट्स, आपके एक लाइक्स, आपके एक डिसलाइक्स सब मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ मैं आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है और अभी जैसे मुझे नहा के वापस किचन में जाना है, क्योंकि कुकिंग कंप्लीट नहीं है, कुकिंग करनी है अभी, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जल्दी ही मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग पे या कोई और ट्रैवल वीडियोस पे। बाय।